हरे कृष्णा। तो आज हमारे घर पे बना है राजमा और चावल, हमारे घर पे यानी ब्रजवासी के लिए घर पे बना है राजमा और चावल। और हमारे घर पे क्या बना है, राजमा चावल, मतलब जो राजमा चावल बने हैं ब्रजवासी के लिए वही राजमा चावल हम भी खा लेंगे। वो बात अलग है, हम ब्रजवासी नहीं है, हम उनके दास हैं, लेकिन राजमा चावल तो खा ही सकते हैं क्योंकि वो प्रसाद है, प्रसाद तो सबको मिलना चाहिए। राजमा चावल किस किस के फेवरेट है कमेंट सेक्शन में डालो फटाफट से, ताकि हम भी जाने भैया कौन कौन है राजमा चावल का शौकीन। हम वेरी 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 अपसेट विद ऑल ऑफ यू। मतलब हमने एक आप पर ये सोचकर कि आपने एक सेवा जो है संभाल ली है और आपके ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़कर हमने गड़बड़ कर दी। हमें लगा कि आप लोगों ने एक सेवा जो है संभाली है, वो कौन सी सेवा, प्रसादम डिस्ट्रीब्यूशन की सेवा संभाल ली है, इसलिए हम माधवाज रॉक बैंड दूसरी सर्विस को पकड़ते हैं और शुरू करते हैं वीडियो मेकिंग, सॉन्ग्स मेकिंग ऑल्सो। लेकिन आपको शायद से लगा कि हम वीडियोस नहीं भेज रहे हैं, तो दैट मीन्स प्रसादम डिस्ट्रीब्यूशन की जो सर्विस है वो रुक चुकी है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको मैं अभी घर पे जाके अंदर दिखाती हूँ कि प्रसादम जो है वो यहाँ पर रोज बन रहा है। और हमें था कि आप लोग डोनेशन भेज रहे हैं, वी हायर्ड सो मेनी पीपल ऑल्सो दोज हु आर हेल्पिंग इन प्रसादम मेकिंग, क्योंकि ऑब्वियसली अगर हमें दूसरी सर्विसेज भी करनी है तो डेलीगेट करनी होंगी बहुत सारी सर्विसेज की, ताकि ये भी चलती रहे और साथ साथ में दूसरी भी चलती रहे। आप में से कौन कौन थे जिन्होंने प्रॉमिस किया था कि जो चूल्हा है वो ठंडा नहीं पड़ना चाहिए, तो उस प्रॉमिस को हमने पकड़ा और यहाँ पर प्रसादम जो है वो रोज बन रहा है। तो देखते हैं, आपको घर पर दिखाती हूँ क्या बन रहा है। बाहर बहुत धूप है और अंदर बहुत शोर था, इसलिए मैं बाहर आई थी। एज यूजुअल बड़ा वाला पतीला और इसके अंदर राजमा चावल बन रहे हैं। और आप क्या बना रहे हैं केशव? मैं भी राजमा चावल बना रहा हूं। तो हमारी दो दो टीम्स हैं, जो कुछ फॉरेन डिवोटीज के लिए हैं और कुछ ब्रजवासीज की हैं। तो ये ब्रजवासीज टीम को संभाल रहे हैं और ये फॉरनर्स को, तो मतलब फॉरनर्स का प्रसाद हो। तो आज बन रहे दोनों के लिए राजमा चावल, हरि बोल। तो प्रभु जी रोज बन रहे हैं ना, लोगों को लग रहा है कि रोज नहीं बन रहा है। मॉर्निंग में अलग और इवनिंग को अलग। देखा हरी बोलते हैं यहाँ पे, देखो सब भाग रहे हैं, पता नहीं कहाँ भाग रहे हैं। तो मैं आपको जैसे बोलते हैं ना कि हम जब किसी के दर्शन करते हैं, बेसिकली कृष्णा के भी और उनके डिवोटीज के भी, तो अगर हम उनकी ग्लोरिफिकेशन जो है पहले से जानेंगे तो वी कैन रिलिश दोज दर्शन ऑल्सो। तो यहाँ पर बहुत सारे भक्त लोग जो हैं वो सेवा पे लगे हुए हैं और इतनी गर्मी है और इतनी गर्मी के अंदर कैन यू बिलीव कि कैसा लगता होगा जब आप आग आगे से लगा दें, चूल्हे पे आग जब लगाते हैं तो कितनी गर्मी और बढ़ जाती होगी। और आप रोटी बना रहे हैं 4 या 5 घंटे 6 घंटे भी लगते हैं, इतनी देर तक आपको वहाँ पे बैठना है। हमने भी वो एक्सपीरियंस किया था। और या तो आप मतलब मालूम नहीं आपको कितना कुछ भी मिल जाए तब भी आप वो, मेरे को नहीं लगता वो सेवा कर पाएंगे। तो डेफिनेटली कुछ तो है जो आपके हार्ट में है विच इज डेफिनेटली बियॉन्ड दिस वर्ल्ड। तो मैं आपको कुछ डिवोटी से मिलवाती हूँ। ये है प्रभु जी और ये है माता जी, हरि बोल। ये माता जी प्रभु जी, ये मम्मा है इनकी और ये प्रभु जी के बेटे हैं। तो ये सेवा के लिए आए हैं और यहाँ पर आकर ये डॉट सुबह जितना टाइम है उतने बजे पहुँच जाते हैं और फिर आकर सर्विस करते हैं, जो कि जैसे मैंने आपको बताया कि सेल्फलेसली दे आर सर्विंग। और यहाँ पर है क्यूट सी माता जी जिनका है राधे राधे शिव कृपा। और ये ऐसे हंसी रहती है और उनको हाउ बुलाते, हाउ हाउ बुलाते, हाउ क्यों बुलाते हैं आपको? मजाक करता है क्योंकि ये हर बात पे बोलते हैं हाउ हाउ, मतलब हाँ। तो कैसे बोलते हैं आप हाउ? हाउ ऐसे बोलते हैं हाउ। हरि बोल। सो आपका जो, मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि हर एक चीज़ को देखने के दो पर्सपेक्टिव रहते हैं। एक तो यही जो हम जिसके बारे में बात की और दूसरा ये कि अगर हम कुछ वीडियोस नहीं डाल पा रहे हैं तो दैट मींस हमारे पास और भी बहुत सारी सर्विसेज आ गई हैं, दैट इज़ व्हाई वी आर नॉट एबल टू प्रोड्यूस वीडियोस, आई मीन मेक दीज प्रसादम डिस्ट्रीब्यूशन वाली वीडियो। सो आई रियली रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि प्लीज़ अपनी जो सपोर्ट है वो भेजनी बिल्कुल भी बंद मत कीजिए। यहाँ पर रोज सेवा हो रही है एंड वी हायर्ड सो मैनी पीपल ऑल्सो, क्योंकि पेंडेमिक चल रहा है तो बहुत सारे डिवोटीज हैं जिनकी जॉब नहीं है अभी। तो एवरी नाउ एंड देन सो मैनी पीपल दे कम टू अस एंड दे आस्क फॉर सम जॉब, कि हम उनको अगर कुछ जॉब दे सकते हैं तो यहाँ पर तो डेफिनेटली जॉब देने वाले हम नहीं हैं, कोई और ही हैं। बट स्टिल मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ कि यहाँ पर डेफिनेटली आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो प्लीज़ 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 कीप ऑन डूइंग दैट।
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. हरी बोल। सो आज है 18th जून और मैं बात कर रही हूँ 7th जून की। 7th जून को श्यामल राय जी ने अपनी मम्मी पापा की मेमोरी में ब्रजवासी, पूरे ब्रजवासी और प्लस काउस और डॉग्स, इनके लिए भी डोनेशन भेजी थी, वन फुल डे मील। और 7th जून को हमने उनके बिहाफ पर प्रसादम डिस्ट्रीब्यूट किया था सभी ब्रजवासी को, लेकिन हम समा उस दिन हम वीडियो नहीं बना पाए। और जो प्रसादम डिस्ट्रीब्यूशन की सेवा की जो वीडियोज आपको देखने को मिलेंगी वो 7th जून की है। नाम लेने वाली हूँ, वो 7th जून के लिए हमें स्पॉन्सरशिप आई थी। श्यामल राय जी ने अपनी मम्मी पापा की मेमोरी में माया राय एंड रविंद्र राय जी के नाम पर चाहा कि ब्रजवासी के साथ साथ काउस और डॉग्स को भी प्रसादम दिया जाए। तो 7th जून को हम अभी जो आपको वीडियो दिखाने वाले हैं प्रसादम डिस्ट्रीब्यूशन की, वो उसी दिन की है। प्लस हमने उन्होंने एक चीज की रिक्वेस्ट की थी जो 7th जून को मैं नहीं कर पाई, तो मैं आज करूंगी। 7th जून बेसिकली उनकी मम्मा की डेथ एनिवर्सरी थी, तो उन्होंने हमसे एक चीज करने के लिए रिक्वेस्ट किया था। उसके लिए मुझे प्रिंटर की जरूरत थी, और वो आप सोचेंगे प्रिंटर क्यों चाहिए था। प्रिंटर मुझे बेसिकली इसलिए चाहिए था क्योंकि उनकी डिजायर है कि उनके मम्मी पापा की पिक्चर जो है उस पर हम ब्रज धूल लगाएं, तो विच इज रियली सो ब्यूटिफुल। तो मुझे ये जानकर बहुत अच्छा लगा, और डेफिनेटली आपको इसके लिए रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, डेफिनेटली गोइंग टू डू दिस फॉर यू। तो अभी मेरे साथ कोई नहीं है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि टीम जो है वो सब डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी है, कोई किसी सर्विस के लिए, कोई किसी सर्विस के लिए। तो आई विल ट्राई कि आपको वो दिख भी पाए while I'm doing this। तो ये मेरे पास उनकी पिक्चर्स हैं। इट्स नॉट सो क्लियर बिकॉज अभी भी जो प्रिंटर है वो अच्छे से नहीं चल रहा, बट somehow इट्स अगेन बियॉन्ड द प्रैक्टिकलिटी। तो लेट्स सी। ब्रज धूली, हरी बोल, हरी बोल। इट्स डेफिनेटली फॉर दोज पीपल, दोज हु नो द वैल्यू ऑफ ब्रज धूल। हरी बोल, हरी बोल। सो इतना सा काम था, इसलिए आपके रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। मैं कुछ नाम लेना चाहूंगी इनके फैमिली मेंबर्स के जो उन्होंने हमें बताया। ये चार ब्रदर हैं और दो सिस्टर्स हैं। चार ब्रदर्स के जो नेम हैं वो हैं रथिंद्र राय, कृष्ण राय, बादल राय एंड दस प्रभुजी श्यामल राय। और इनके सिस्टर्स जो हैं वो हैं राज लक्ष्मी दास और झरना राय। हरी बोल। सो आई एम फीलिंग सो वेरी गुड आफ्टर डूइंग दिस फॉर योर मदर एंड फादर। आई ऑलवेज वंडर कि डिवोटीज जब भी प्रे करने के लिए बोलते हैं तो मैं क्या प्रे कर सकती हूँ, बिकॉज आई पर्सनली आई फील लाइक आई एम नॉट क्वालिफाइड इनफ टू प्रे फॉर एनीवन। बट हम जैसे लोग भी यहाँ पर खड़े हैं तो शायद प्रे कर पाएंगे आपके लिए। मैं प्रे करती हूँ कि आप हमेशा श्रीमती राधा रानी और कृष्ण के चरण में बने रहें, और उनका स्मरण हर वक्त हर पल करते रहें, क्योंकि अगर ये चलता रहेगा तो डेफिनेटली आपकी जो लाइफ है आप सोच भी नहीं सकते कितनी ब्यूटीफुल हो जाएगी। सो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम एक सेवा कर रहे हैं, वो हमने कुछ डिवोटीज़ को हायर करके और कुछ डिवोटीज़ जो हैं वॉलेंटरली दे केम कि वो सर्विस करना चाह रहे हैं, तो दे आर डूइंग लॉट ऑफ सर्विस। प्रसादम डिस्ट्रीब्यूशन वाली जो सर्विस है वो एक पार्ट पे चल रही है, जो डेफिनेटली जिसका क्रेडिट है वो आप लोगों को भी जाता है। तो मैं आपको लेकर जाने वाली हूँ दूसरी जगह पर, जहाँ पर हमारी आधी टीम है, जहाँ पर आपके फेवरेट नवकिशोर प्रभु जी भी हैं। तो वहाँ पर देखते हैं वो सब कुछ क्या कर रहे हैं, क्या खिचड़ी पका रहे हैं। तो लेट्स सी, लेट्स गो। हरी बोल। तो अभी थोड़ा गुड़गुड़ की आवाज़ आई गाड़ी की, तो थोड़ा सा टॉवल करना पड़ेगा, जीना थोड़ा ज़्यादा आ रहा है।
गर्मी बहुत ज़्यादा है। मैं ये बात करना चाह रही थी कि यहाँ पे जो डिवोटीज हैं बहुत ही सेल्फलेसली सर्व कर रहे हैं, हमारे जैसे नहीं कि कोजी जोन वाले टाइप के कि हाँ भाई थोड़ा सा ऐसा चाहिए, हाँ ला तो यहीं पे बैठे हैं, क्या काटना है दे दीजिए, ऐसा नहीं है। सब अपने आप से एफर्ट कर पूरी की पूरी जान लगा कर सेवा कर रहे हैं। आज मेरा मन किया कि उनको मैं ऑब्सेंसेस पे करूँ अपनी तरफ से भी, आप लोगों की तरफ से, अपनी तरफ से करती तो कहते क्या हो गया माता जी को ऑल ऑफ अ सडन, तो इसलिए मैंने आप लोगों का नाम लेकर ऑब्सेंसेस पे किए। सो दे विल बी हैप्पी कि माता जी साइको नहीं। अभी मुझे मास्क पहनना है, मैं अभी बहुत बड़बड़ कर रही हूँ, बेल्ट लगानी थी, नहीं तो आज से ज़्यादा कमेंट आएंगे कि माता जी आपने बेल्ट नहीं लगाई। अभी तो आप सोच रहे होंगे कि माता जी तो अकेली थी और माता जी के हाथ तो दोनों दिख रहे हैं, तो कैमरा किसने पकड़ा? कैमरा पकड़ा किसी ने तो इज द मैन बिहाइंड कैमरा। ये है जो मेरा तीसरा हाथ थे अभी मेरे पापा। हरी बोल, हरी बोल, प्लीज इग्नोर माय आईज। अभी प्रभु जी होते तो बोलते हैं, मैंने बोला था ना तैयार होने को, किसने बोला? तो पूरा जो मेरा काजल है वो फैल चुका है और मैं भूत बन चुकी हूँ। मेरी मम्मी होती ना बोलती है ये मेरा बच्चा बबलू बन गया काजल, जब मेरी फैल जाती ना तो मेरी मम्मी इतनी खुश होती है मुझे देख के, बोलती है हाँ छोटे बच्चों जैसे काजल फैला ली। मम्मी के लिए तो बच्चे हमेशा मम्मी रहते हैं और पापा के लिए भी। Okay, meanwhile, I'm going to that place. I just received an email and this guy is around 18 years old. Ye bol rahe hain, since the past few days, I've been cursing this year for the reasons like corona crisis, cyclone, earthquake, riots, deaths of so many renowned celebrities and many other calamities. Since the past few months, I refrained from devotional services also. And now I've realized my huge mistake. And he has also questioned few things और ये कुछ questions हैं जिसके answers वो चाह रहे हैं। Okay, और कुछ questions हैं जो उन्होंने हमसे पूछे हैं, if we can answer, he's asking us. First, should I really lament on all these deaths? Second, why are these all, especially Sushant, suffering so much? Will Lord listen to me if I pray about the goodwill of their souls? Third, what should I exactly do now? Fourth, when will all these extreme problems end? And fifth, can I please, please, please call you? So first of all, I really beg you and suggest you don't ever give up your devotional services. Whatever you're doing, maybe chanting Hare Krishna Maha Mantra or reading books, please don't ever dare to leave them. Okay, so for your all the questions, I would be giving one answer. In current circumstances of all around deaths, depression, fear, and worry, please read Bhagavad Gita as it is by Srila Prabhupada, chapter 8. My counselor, His Grace Bhadra Govind Prabhuji, calls it the death chapter. So I really believe that you will definitely going to get all your answers in this only one chapter, chapter 8. And if this will not work, then definitely you can come to the fifth point. Okay, तो अभी हम पहुंचने वाले हैं वो जगह पर जहाँ पर प्रभु जी होंगे। हम पहुंच गए हैं इस जगह पर और यहाँ का मैं बेसिकली आपको बहुत अच्छे से सब कुछ नहीं बता सकती कि यहाँ पे क्या हो रहा है, क्योंकि इसका जो व्लॉग है वो प्रभु जी अलग से बनना रहे हैं। हरि बोल। तो लेट्स सी, ये वो जगह है जहाँ पर काम चल रहा है। ओ, कुछ यहाँ पे घूम रहे हैं। प्रभु जी कहाँ पे हैं? इट्स अ फुल मिस। बेसिकली जब हम यहाँ पर आए थे तो हमने यहाँ पे आते सारी, आई गेस आफ्टर टू और थ्री डेज वी स्टार्टेड डिस्ट्रीब्यूटिंग प्रसादम, तो इसलिए हमारा बहुत सारा सामान जो है वो यहाँ पर भी पड़ा है और हमारा अभी घर जो है सेट ही नहीं हुआ है, तो हमारा आधे से ज़्यादा सामान इधर उधर पड़ा है। And we have Prabhu ji here. मैं भी बना रहा हूँ। तो वो यहाँ का व्लॉग बना रहे हैं कि यहाँ पर क्या क्या हो रहा है उसके बारे में मुझे भी नहीं मालूम, तो वो प्रभु जी बना रहा है। हमारा गोपी भी है, देखो मैंने आपको बोला था ना हमारी आधी टीम यहाँ पर है, आधी टीम यहाँ पर है, यहाँ पर कुछ काम चल रहा है। सो ऐसे हरि बोल। चलो भाई हम चलते हैं दूसरे काम पर। पापा गाड़ी में ही थे तो वो मुझे लग रहा है सो गए। Hari Bol, since I have requested you to read Bhagavad Gita chapter 8, so I have to do it too. So this is Bhagavad Gita by Srila Prabhupada, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada, and 8th chapter, Attaining the Supreme. Hare Krishna, Hare Krishna,
कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण आपका पोषक तो अमृत होता है, वो आपका बहुत अच्छा, आप जैसे पोषक कोई नहीं रहता है, सबसे अच्छा पोषक आपकी है। हम तो आपकी पोषक के लिए यहाँ इंतजार कर ही नहीं जाते, आदमी भागा दौड़ करते हैं, हमारे ये 9-10 आदमी जो है आपकी भरोसा में यहाँ आप सबसे अच्छा खाना लाते हैं और सभी आपकी इंतज़ार करते हैं, आप आपकी खाना, आपका खाना के ऊपर कोई बवा खाना नहीं। इतने दिन से लॉकडाउन चल रहा है, आप ही खाना सबसे अच्छा और आप ही भोजन पेट भर के भोजन करते हैं सब। जीवन की सब कट जाए व्याधा, मैं तो तेरी शरण, मैं तो तेरी शरण। जय निजी कृपा मई राधे, जय
श्री जी कृपा मई राधे, मैं तो तेरी शरण, मैं तो तेरी शरण। राधा राधा प्रेम अगाधा, राधा राधा प्रेम अगाधा, जीवन की सब कट जाए व्याधा, जीवन की सब कट जाए व्याधा। मैं तो तेरी शरण, मैं तो तेरी शरण। जय श्री जी कृपा मई राधे, जय श्री जी कृपा मई राधे। मैं तो तेरी शरण, मैं तो तेरी शरण। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। हमारा तो हम तो ठाकुर जी के चाकर हैं और ये सब जगह ठाकुर जी है। अभी एक आदमी जो है बीमार पड़ा है, उसके लिए एम्बुलेंस के लिए कोशिश की, नहीं मिली। पुलिस के पास भी फोन किया, नहीं। लावारिस है, उसके पैर में घाव है बहुत ज़्यादा, तो उसके घाव पे पट्टी वट्टी करके और कीड़े मारने की दवाई डाल के ट्रीटमेंट करके आगे छोड़ रखा है। और उसको दोपहर में उसको 5 लीटर की कट्टी से पानी पिलाया, तो कम से कम 2 लीटर पानी पिया उसने। और एक कम्बल है उसके पास, नंगा पड़ा है, तो उसको कम्बल वम्बल उड़ा के अच्छे से दोपहर में 3 केले खिलाए, 3 केले खिला के उसको पानी पिला के अब फिर आए हैं। उसकी वजह से 2 किलोमीटर से पानी घाट से, और इधर भी सेवा में दोनों मौके मिल गए। अब उसको खाना खिलाना बाकी है। तो ऐसी ये सब करने से अपने आत्मा को बड़ा शांति होती है, इसलिए करते हैं। और हमें कुछ नहीं, राधे राधे।